हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, जो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको दो ऐसे प्रोजेक्ट बनाकर दिखाऊंगा जो आपको बहुत ज्यादा काम आएगी आपके नॉर्मल लाइफ में। और मतलब आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो तो आप लोग प्रोजेक्ट वगैरह तो बनाते ही रहते हो, सो उन चीजों को बनाने में आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देख लिया करो, क्या जाता है यार, इतनी सी तो वीडियो होती है, पूरा देख लेना। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, तभी तो वीडियो पहुंच पाएगी ना, इसलिए सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाकर ऑल पे सर्च कर देना। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम अपने वर्किंग पर आ चुके हैं। और गाइस, फर्स्ट प्रोजेक्ट के रूप में क्या होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। गाइज, यहाँ पे देखो, इस तरह का मैं एक हैक्सो ये वाला यूज करता हूँ, ठीक है, कई सारे वीडियोस में यूज करता हूँ। और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने ये बोला था कि भाई आप इसे बनाकर दिखाओ कि आपने इसे बनाया कैसे है। तो ये तो मैंने खुद जुगाड़ से बनाया है और यहाँ पे तार वगैरह से कसा हुआ है, लेकिन आज मैं आपको प्रोफेशनल वाला हैक्सो बनाकर दिखाने वाला हूँ जो कि हम नट बोल्ट वगैरह से कस सकते हैं और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो चलो, ये तो अब मैं इसे यूज नहीं करूंगा, जो अब मैं न्यू बनाने वाला हूँ उसको यूज किया करूंगा, और साथ ही सोचा आपको ये बनाकर दिखा देते हैं। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। बस ये जो चीज होने वाली है ये थोड़ी सी हैवी होने वाली है, इसलिए इसके लिए हमने इस तरह का एक सरिया ले लिया है जो कि नॉर्मल से थोड़ा सा पतला है, क्योंकि इससे डील करना बहुत ही इजी रहेगा। और इससे ज्यादा मोटा ले लोगे तो फिर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है उसको बेंड वगैरह करने में, इसे बेंड करना इजी नहीं है। सो किस तरह से करना वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने कुछ इतना बड़ा ले लिया, एक्स्ट्रा पार्ट हमें कट करना पड़ेगा, और यहाँ पे तो ये काम होने नहीं वाला इस टेबल पे। सो फिलहाल मार्किंग वगैरह करते हैं और फिर चलते हैं बाहर, जिससे इसकी थोड़ी ठुकाई पिटाई करेंगे, तब जाके ये काम हो पाएगा। बस यहाँ से हमें इस तरह से इसे मोड़ना है, फुल 90 डिग्री में नहीं मोड़ना, उसे थोड़ा सा ओपन ही रखना है। अब क्यों रखना है वो आपको पता चल जाएगा। सो हम इतनी दूर से इसको मोड़ लेंगे, इतना काफ़ी रहेगा, हाँ मेरे हिसाब से इतना काफ़ी रहेगा, ठीक है। उसके बाद ठीक इतना ही, बिल्कुल यहाँ से जितनी हमें लंबाई रखनी है, हमें पहले ये पत्ती खोलनी पड़ेगी, उसके हिसाब से इसकी लंबाई रखनी पड़ेगी। तो चलो करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो मैंने ब्लेड अपना ले लिया है, ठीक है। और अब क्या करना है, जितना लंबा आपका ब्लेड है उसके हिसाब से यहाँ पे मैं मार्किंग कर लेता हूँ, ठीक है। सो बस इतना लंबा बनेगा, उसके बाद जितना लंबा हमने आगे किया था बिल्कुल उतना ही लंबा हमें पीछे भी करना पड़ेगा, ठीक है। सो हमें इतना दूर तक ये मुड़ जाएगा, उसके बाद हैंडल इतना आएगा, ठीक है, उसके हिसाब से बाद में इसको काटेंगे, पहले इसको बना लेते हैं। भाई, इसे टेढ़ा करना इतना भी आसान काम नहीं है। सो हम यहाँ पे आ गए हैं बाहर, ठीक है, पत्थर के पास, और अब इसकी थोड़ी सी ठुकाई पिटाई करते हैं, देखते हैं टेढ़ा हो पाता है नहीं तो कोई और जुगाड़ लगाएंगे। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से हमने इसको बेंड कर लिया है, और अब इतना हिस्सा खुला ही रखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम स्क्रू से इसको कसने वाले हैं उसके बाद सीधा बहुत मतलब इसको खींचा हुआ होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है, लूज रहेगा तो फिर कुछ कटने नहीं वाला है। सो कुछ इतना खुला रखना है जिससे हम बाद में इसको खींच कर टाइट कर सके। और अब हम इसको यहाँ से भी बेंड करते हैं इस वाली जगह से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कमाल की गेमिंग एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है रमी सर्कल। यहाँ पे आप रमी खेल के काफी अच्छी खासी विनिंग कर सकते हो। रमी सर्कल पर 1 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स है, जहाँ पे आप कैश गेम्स खेलकर पैसे जीत सकते हो। यहाँ पे इंस्टेंट विड्रॉल फीचर है, जिससे आप अपने जीते हुए पैसे तुरंत ही बैंक अकाउंट तक ट्रांसफर कर सकते हो। रमी सर्कल पर रमी खेलना काफी ज्यादा आसान है, और ये हमारे फोन में स्मूथ भी चलता है। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाके डाउनलोड करें और फर्स्ट डिपॉजिट में ही 2000 तक का बोनस पाएं। रमी खेलें और कैश जीतें। दोस्तों, इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है और इसकी लत भी लग सकती है, कृपया इसे अपने जोखिम पे खेलें। सो गाइस, अब हमें इसको यहाँ से कट करना पड़ेगा, इतना यहाँ पे हम कोई लकड़ी का हैंडल वगैरह लगा सकते हैं। सो चलो जल्दी से यहाँ से इसको कट करते हैं। बस यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह से हमने इसको कट कर दिया है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि हमारे पास मशीन वगैरह नहीं है कट करने के लिए, ग्राइंडिंग मशीन वगैरह, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारा काम फिर भी हो गया किसी तरीके से। अब सबसे मुश्किल काम ये है, इसको यहाँ से हमें चपटा करना है हथौड़े से, पीट पीट कर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भी चपटा करना है ताकि हम इसमें होल कर सकें। उसके बाद होल करना भी थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, तो देखते हैं क्या होता है, चलो करना शुरू करते हैं।
तो गाइस अब आता है सबसे मुश्किल काम जिसकी होने की उम्मीद शायद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो ये काफी मोटा है और इसमें होल करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मेरे पास जो आयरन बिट है ही नहीं, यहाँ पे ये ओनली लकड़ी में छेद करने के लिए है। तो इसमें देखते हैं कर पाते हैं या नहीं, हमारी बिट भी ख़राब हो सकती है, और अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, हम कुछ और कर लेंगे, लेकिन हाँ ये चीज़ आपको सक्सेसफुली करके ज़रूर दिखाऊंगा। गाइस हमारा पहला नुकसान हो चुका है, देख सकते हो एक में तो इजीली होल हो गया, दूसरे में होल करते करते बिट हमारी टूट चुकी है। ठीक है देख लो, आधी इसमें है एक इसमें है। ठीक सो बिट की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, और मैं जल्द ही बिट ऑर्डर करने वाला हूँ अलग से, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसके साथ। और यहाँ पर होल हो नहीं रहा है, देखते हैं क्या होता है, अगर यहाँ हो गया तो यहाँ भी हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ के कंपेरिजन में यहाँ पर थोड़ा सा मोटा है। और सबसे ज़्यादा बुरी बात ये, यह हमारा यहाँ से पीटते पीटते लोहा भी टूट गया था। अब यार लोहा भी टूट गया यार, किस तरह का मेटल है ये पता नहीं। सो चलो देखते हैं क्या होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन ट्राई करते हैं होल करने का। गाइस देख लो सबसे बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, यहाँ पे हमारा यही टूट चुका है। जैसे कि आपको पहले बताया था, यहाँ से हमारा पीटते समय ये लोहा टूट गया था, ठीक है, और अब तो मेरी सारी मेहनत पानी में मिट्टी में मिल चुकी है इस जो को, ठीक है। लेकिन हाँ अब हम इसको, लेकिन इसको हम कंप्लीट ज़रूर करेंगे जो मैंने सोचा है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा इतना नुकसान हो गया, पता नहीं इस प्रोजेक्ट को मैंने क्या देखकर स्टार्ट किया था, पता नहीं क्यों। ठीक है सो यहाँ पे देख लो, अब मैं जल्दी से यहाँ पे होल करने का ट्राई करता हूँ, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे तो हो ही गया है, तो पीछे कुछ जुगाड़ लगाते हैं। और यहाँ पे मैं इसको किसी तरह से यूज़ करना बताऊँगा आपको, बाकी हम यहाँ पे इसको वेल्डिंग करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे पास वेल्डिंग मशीन नहीं है, सो आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो लक ने हमारी अच्छे से ले रखी है, और अब काम खत्म हो गया सबका। ठीक है यहाँ पे बिट देखो टूट चुके काफ़ी सारे, ऊपर से ये टूट चुका है, लेकिन यहाँ पे होल तो नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे पता है कि ये इसमें होल करने वाला है ही नहीं। एक तो पता नहीं किसी तरह से इसमें हो गया, लेकिन उसके बाद इसमें करने में टूट गया, वो भी गया, तो कोई बात नहीं, कुछ और करते हैं, ठीक है, और जल्दी से इस ब्लेड को इसमें फिक्स करते हैं। गाइस यहाँ पे देख सकते हो एक कट लगा दिया है, ठीक है, ये क्यों लगाया अभी आपको पता चल जाएगा, और यहाँ पे तो ऑलरेडी एक होल हो ही गया किसी तरीके से, ठीक है। सो अब क्या करना है, यहाँ पे इसको सीधा लगा देना है। वैसे तो आप पूरी बात समझ गए होंगे कि यहाँ पे अगर वो नहीं टूटता तो क्या करना था, हमें यहाँ पे बस एक लगाना था, इसी तरह से होल करना था, और सीधा इसको यहाँ पे कसना था, ठीक है, टाइटली इस तरीके से। तो चलो कर लेते हैं वही काम अभी, और फिर देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। सो गाइस मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक वायर ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको यहाँ पे इस तरह से प्लास से प्लायर से कस रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप होल करवा सकते हो जाके मैकेनिकल शॉप में, या फिर आपके पास ड्रिल मशीन है और मेटल में छेद करने वाले बिट है तो आप कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो करते हैं। गाइस जैसे तो यहाँ से तो कस चुके हैं, अब क्या करना है, बस यहाँ से खींच कर इस तरह से जॉइंट कर देना है, ठीक है, और अब यहाँ पर तो होल हो चुका है, सो इस तरह से हमें क्या करना है, बस नट बोल्ट से इसको टाइट कर देना है। इसी तरह से हमें वहाँ भी करना था, लेकिन हो नहीं पाया, जो हुआ आपने सबने देखा ही। सो अब देखते हैं इसको जल्दी से यहाँ पे फिट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से हमने बना लिया है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा टाइट रखा है इसको, और देख सकते हो यहाँ पे आप वेल्डिंग करा सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वेल्डिंग की आपका ज़रूरत थोड़ी, आपका भी टूट जाए, लेकिन हाँ यहाँ पे भी बिल्कुल यहाँ पे मैंने तार से कस लिया है, ठीक है। अगर आप होल नहीं कर पा रहे हो तो आप बिल्कुल इसी तरह से तार से दोनों साइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं इसको और प्रोफेशनल बनाना चाहता था, लेकिन आपने देखा क्या क्या हुआ है वीडियो में अभी अभी, ठीक है। सो अब मैं आपको यहाँ पे कट करके दिखा देता हूँ ये चीज़। गाइस यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का ये कुछ काम करता है, ठीक है, बस यहाँ पे एक ही चीज़ की कमी रहेगी, हैंडल की, बाकी तो आपको जिस तरह से मैं बनाकर दिखाया ना, बिल्कुल आप इसी तरीके से हैक्सो घर पे बना सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो आपको उम्मीद है ये काम की चीज़ जो है ये आपको पसंद आई होगी। तो गाइस सेकंड नंबर के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक मोटी सी पीवीसी शीट, ठीक है, जो कि नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा मोटी है, ठीक है। इसके अलावा आप और क्या अच्छी चीज़ यूज़ कर सकते हो वो भी आपको बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ है जो कि हमारे पास काफ़ी अच्छा खासा मोटर है, ठीक है, बहुत ही
पावरफुल मोटर है, ठीक है, मतलब उतना ही पावरफुल नहीं है, मीडियम पे ही आता है। आप चाहो तो इससे ज़्यादा पावरफुल मोटर ले सकते हो जिसकी वाइंडिंग वगैरह बहुत ही अच्छी हो। सो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ जो कि 12 वोल्ट से आराम से वर्क करने वाला है। उसके बाद यहाँ से मैं एक सर्कल कट करने वाला हूँ, और चलो जल्दी से कट करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे हमने एक सर्कल कट कर लिया इस टाइप का। अब हमें क्या करना है, एक सैंड पेपर लेना है और बिल्कुल सैंड पेपर में भी इसी तरह से सर्कल बना के इसको कट कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमने इस तरह का सैंड पेपर का एक पीस कट कर लिया है, और अब इसको फेविक से इसके ऊपर चिपका देते हैं। गाइस यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से हमने कुछ कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको बिल्कुल मिड में एक होल करना है जो कि आपने जो भी मोटर लिया उसके शाफ्ट में टाइटली फिट हो जाए, ठीक है, उतना बड़ा होल करना है और बिल्कुल ध्यान से मिड में ही करना है। और इससे करोगे तो वैसे भी आपको मिड पॉइंट मिल ही जाएगा। तो चलो कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से होल कर लिया है। अब इस मोटर के शाफ्ट को टाइटली इसमें फिक्स कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम ले आए अपना ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, और अब हम जल्दी से इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह का वर्क करता है, और आपको भी मैं दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो मैं सेटअप बना लिया हूँ, और अब मैं ये बटन जैसे ऑन करूँगा ये यहाँ पे काम करना शुरू कर देगा। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से काम कर रहा है, और मुझे थोड़ी सी वाइब्रेशन फील हो रही है। सो थोड़ा सा हो सकता है इधर उधर हो गया हो, लेकिन हाँ मजबूती से फिलहाल तो लगा हुआ है। और अब इससे हम कुछ, मतलब जिस काम के लिए बना है उस काम के लिए से ट्राई करते हैं। जैसे हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं इसको घिसना होता है ना, तो यहाँ पे हम अगर देख सकते हैं इस तरह से बढ़िया से घिस सकते हैं इसको, देख लो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको इसी तरह से दिखा देता हूँ, जैसे आपको इधर गोल आकार स्मूथ देना है, ठीक है, देखो इस तरीके से हो गया। और आप इससे लोहे की चीज़ें भी घिस सकते हो, देखो आग निकल रही है, उम्मीद आपको दिखाई दी होगी। जैसे कि अगर मैं ये घिस के दिखाऊँ आपको, तो काफ़ी डर लगा ये चीज़ भी। और वैसे तो ये प्रोजेक्ट के साइड एजेस को घिसने के लिए है, और बहुत ही बढ़िया वर्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़िया, ठीक है, देखो मतलब जो एजेस है उसको स्मूथ बना सकता है। तो कुछ इस तरह से काम करता है, और सबसे मजे लेने वाली बात है ये, ठीक है, देख, ओ भाई साहब इसने सच में रगड़ डाला प्लास को, रहने तो अभी चलता है, ठीक है। और यहाँ पे ये थोड़ा सी काली हो रखी है, इसको देखते हैं। देखो भाई, देखो आप खुद ही देखो, ठीक है, बहुत ही मज़ेदार तरीके से, देखो इसके नोक को आप, मुझे नहीं पता था इतना अच्छा वर्क करेगा, मैं सिर्फ एक आइडिया लगाया था कि हाँ ये इस तरह से काम करेगा। देखो खुद ही देखो इसकी चमक आप, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, और उम्मीद है, मेरे को वैसे उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा बढ़िया काम करेगा, लेकिन सच में काफ़ी अच्छा काम करता है। और हो सकता है इससे इसी तरह का होता है ना मटेरियल, जिससे हम लोहा वगैरह भी कट करते हैं, इसलिए काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। और उम्मीद है आपको ये प्रोजेक्ट भी पसंद आया होगा। और आज की वीडियो बस इतनी थी कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका है वीडियो को बनाने में। सो किसी अगली वीडियो मिलते हैं, ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर नहीं किया तो, और सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाकर ऑल पर सेट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए किसी दूसरी वीडियो मिलते हैं।